ये गंभीर चिंता का विषय है। तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। आप किसी विशेष वर्ग को बचाने की बात नहीं कर सकते। जो अपराधी है उसको जेल जाना होगा, उसके घरों को ध्वस्त करना पड़ेगा। जबकि हमने तो आदेश किया था मुख्यमंत्री के सहमति के बाद कि जो प्रतिनिधि हैं सभी को जिसको सरकार सुरक्षा दे सकती है उसको सुरक्षा उपलब्ध कराएगी, नहीं तो सभी को आर्म्स का लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर जीरो टॉलरेंस हो, इसको लेकर नीतीश कुमार को खूब सुनाया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में अब फेल्योर हो गए हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। जिस तरह से समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आए दिन देखिए किस तरह से आपराधिक घटनाएं घटती जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। नीतीश कुमार उसका समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं और अपने अधिकारियों को लेकर के जिस तरह से चलते हैं, तो अब नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अब बिहार के जनता को कुछ भी भला कर पाएंगे। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का। आजकल लगातार आपराधिक घटना घट रही है। मैं गोपालगंज गया था, वहां पर अंकित कुमार की हत्या एक तरह से सांप्रदायिक रंग देकर हत्या करने का काम किया, और ये एकदम मिरेकल है कि महिला लोग घर से निकलकर हत्या करने का काम किया, और अभी तक मात्र 8 से 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हमको याद है जब पॉलिटिकल मामले में 1995 में हमारे परिवार के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था, तो 3 दिन में हमारा घर तोड़ दिया गया था, तुर्की जब्ती कर दिया। लेकिन वहां आज लगभग 8 दिन से अधिक हो गए और वहां जो अपराधी हैं, गुंडे हैं, उनके घर को तोड़ा नहीं जा रहा है। मैं सीधा आरोप वहां के प्रशासन पर लगा रहा हूं, और ये भी आरोप लगा रहा हूं कि यहां एक प्रशासनिक बड़े अफसर बैठे हैं जो वहां सीधे लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है। तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए, तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। आप किसी विशेष वर्ग को बचाने की बात नहीं कर सकते। जो अपराधी है उसको जेल जाना होगा, उसके घरों को ध्वस्त करना पड़ेगा। और दूसरा, हम लोगों ने देखा कल एक मुखिया की हत्या हुई बेगूसराय जिले में, जबकि हमने तो आदेश किया था मुख्यमंत्री के सहमति के बाद कि जो प्रतिनिधि हैं सभी को जिसको सरकार सुरक्षा दे सकती है उसको सुरक्षा उपलब्ध कराएगी, नहीं तो सभी को आर्म्स का लाइसेंस उपलब्ध कराया जाएगा। कोई काम नहीं हो रहा नीतीश जी के राज में। ये कौन समाधान यात्रा में, हमको पता नहीं बिहार में किस तरह के समाधान यात्रा में है। 18 साल हो गया नीतीश बाबू, और आप 18 साल के बाद गांव के में जा रहे हैं कि हम आपका समाधान करेंगे, ये भी एक दुर्भाग्य। जिस तरह जगदेव प्रसाद जी का नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, अब तो शासन सिर्फ 2 ही व्यक्ति का रह गया। 15 साल तक लालू प्रसाद जी के परिवार ने सत्ता पर राज किया, और 18 वर्षों से नीतीश कुमार राज कर रहे। तो अब बिहार में 2 ही सामंती बचे हैं राजनीतिक तौर पर, एक का नाम लालू प्रसाद जी, दूसरे का नाम नीतीश कुमार जी। अब तो सभी वर्ग, कोई उच्च जाति के लोग हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, सभी आरक्षण के कैटेगरी में आते, और सब अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी और लालू जी बिहार को बर्बाद करने में लगे हैं, ये चिंता का विषय है।
आपने कि क्या कुछ कहा बता दें कि जिस तरह से सम्राट चौधरी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के जब का सवाल जब सम्राट चौधरी से पूछा गया तो उसी आड़ में जो है नीतीश कुमार को उन्होंने खूब सुनाया, कहा कि जिस तरह से जगदेव प्रसाद की जयंती ये लोग मना रहे हैं लेकिन जगदेव प्रसाद के रास्तों पर ये लोग कहाँ चल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित है और 90 पर हमारा राज है, लेकिन आज सभी लोग चाहे वो उच्च जाति हो या फिर और भी वर्ग के जाति हो, सभी को आरक्षण के कटघरे में है। ऐसे में अब किसी को यह कहना कहीं से उचित नहीं होगा। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बिहार के दो ही ऐसे सामंती नेता हैं और अब इन दोनों का बिहार से खात्मा होना निश्चित है। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।